मशीर वज़ीर आज़म नईमुल हक कहते हैं कि इन हालात में अराकीन का तनख्वाहें बढ़ाना बाइस शर्म होगा। चौधरी ब्रादरान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ केसेस हमने नहीं बनाए। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है वो उनको वापस करना होगा। मैं समझता हूँ जिस तरीके से वो बिल पेश हुआ बहुत गलत था। इमरान खान साहब ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और उस बिल को जहाँ तक मेरे इल्म में है उसको मुकम्मल तौर पर वापस ले लिया गया है। वज़ीर आज़म ने मुतनब्बे कर दिया है कि हम तो हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़जाना खाली है, गरीब मर रहा है और अगर हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अपनी मराद बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए बायस शर्म है, इसकी हम किसी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे। परवेज़ रईस साहब जब तशरीफ़ लाए उन्होंने एक नहीं तीन दफ़ा मुकम्मल तौर पर, और मैं मौजूद था उस मीटिंग में, वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि हमारी जो आपके कमिटमेंट है वो हमेशा रहेगी और उन्होंने किसी किस्म की कोई शर्त नहीं लगाई। उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा तआवुन है, कल मैं गया भी था जैसे आपको पता है, और वो तआवुन जारी रहेगा और ज़्यादा मजबूत होगा। जरदारी और नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो उन्हीं के दौर हुकूमत में, नून के दौर हुकूमत में कायम हुए थे और ज़ाहिर है कि नैब जो है उसने उनके खिलाफ जो इकदाम किए हैं हम उसके पाबंद हैं, हम कानून के पाबंद हैं। ये हमारा शुरू ही से मौक़िफ़ रहा है कि हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की कौमी दौलत को लूटा है वो वापस की जाए।